This is 92.7 Big FM. मैं हूं अन्नू कपूर और प्रेजेंट कर रहा हूं वो शो, योर फेवरेट शो, फेवरेट रेडियो प्रोग्राम, जिसका नाम है सुहाना सफर विथ अन्नू कपूर, ओनली ऑन 92.7 Big FM. आज सबसे पहले बताऊंगा विनोद खन्ना और कविता की प्रेम कहानी. कुछ समय पहले ही गुजरे विनोद खन्ना. आपने देखी होगी दुख की और वेदना की लकीरें श्रीमती कविता खन्ना के चेहरे पर. उनकी ही प्रेम कहानी. दूसरी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे एक डायरेक्टर ने यूं कहें कि धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया. फिर क्या हुआ उस लड़के का? क्यों सुनाए ऐसी कहानी? कहानी में तो दम तब आता है ना कि जिसको धक्के मारकर निकाला हो वो ही आगे चलकर कुछ बन जाए. ये दूसरी कहानी ऐसे ही एक आदमी की है जो आगे चलकर बहुत बड़ा बन गया. जिसे डायरेक्टर ने धक्के देकर ऑफिस से निकाल दिया था वही बन गया बहुत बड़ा आदमी. हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए, उसके बाद फिर तेरी कहानी याद आई, रिपीट वैल्यू, और अंत में हमारे श्रोता पंकज पाठक के सवाल का जवाब. बात है 1988 के आसपास की. विनोद खन्ना एक पार्टी में गए हुए थे. पार्टी अपने शबाब और सुरूर पर थी. तभी कुछ सहेलियों के साथ एक खूबसूरत सी लड़की की आमद हुई, एंट्री हुई. इसकी एंट्री ने, आमद ने पार्टी की रौनक बढ़ा दी. विनोद खन्ना द हैंडसम मैन भी इसकी तरफ आकर्षित हो गए. दुआ सलाम हुआ, हाय हेलो हुई, और ये लड़की पहली ही नजर में विनोद खन्ना के हृदय में कहीं गहरे उतरती चली गई. मगर लड़की ने विनोद खन्ना को उतना भाव नहीं दिया, ना ही तवज्जो दी. खैर साहब, पार्टी खत्म हुई. विनोद खन्ना ने अगले दिन उस लड़की के बारे में जानना चाहा, तो पता चला लड़की का नाम है कविता दफ्तरी और ये प्रसिद्ध उद्योगपति शरयू दफ्तरी की पुत्री हैं. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्टडी करके लौटी हैं. विनोद खन्ना की उत्सुकता बेताबी और बढ़ गई. कहीं से फोन नंबर भी ढूंढकर निकाल लिया और लगा दिया फोन कविता को. बातचीत हुई. कविता ने भी एक सेलिब्रिटी विनोद खन्ना से बड़ी शालीनता से बात की, बिकॉज कविता बहुत बड़ी वसीयत के साथ पाली गई थी, बड़ी हुई थी, बहुत सुसंस्कृत परिवार से संबंध रखती थी. तो उन्होंने विनोद खन्ना के सेलिब्रिटी स्टेटस का मान करते हुए बहुत ही डिसेंट तरीके के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, कटसी के साथ विनोद खन्ना से बातचीत की. बस फोन का सिलसिला चल पड़ा. विनोद खन्ना दिन में 5-5 बार कविता को फोन करने लगे. एक दिन विनोद खन्ना ने कविता से मुलाकात करनी चाहिए इन पर्सन, मगर कविता दफ्तरी ने इनकार कर दिया. इधर प्रेमी विनोद खन्ना गुजारिश करते रहे और उधर कविता इनकार करती रही. आखिर एक दिन कविता ने विनोद के इसरार को मान लिया और कह दिया कि वो जॉगिंग के लिए जा रही हैं, अगर मिलना है तो प्लीज पार्क में आ जाएं. ये आतुर प्रेमी विनोद खन्ना पहुंच गए पार्क. बस तब से ये हर रोज का सिलसिला बन गया. हफ्ते बीते, महीने बीत गए, दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई, मगर प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं था दोनों के बीच. विनोद खन्ना का कविता के घर आना जाना भी शुरू हो गया. एक दिन की बात है, शाम के समय विनोद खन्ना बैडमिंटन खेलकर पहुंचे कविता के घर, पसीने से तरबतर. सामने कविता को देखते ही एक सीधा सा डायरेक्ट सवाल कर दिया, तुम्हारा अपनी शादी के बारे में क्या इरादा है? तो कविता दफ्तरी ने कहा, जैसा हर लड़की का इरादा होता है वैसा ही मेरा भी इरादा है. जब तक कोई सोलमेट ना मिल जाए तब तक शादी नहीं करूंगी. विनोद खन्ना ने दूसरा सवाल किया, मुझसे शादी करोगी? और इस लड़की कविता दफ्तरी ने बगैर सोचे समझे तुरंत हां. ये बड़ी वीरांगनाएं होती है हमारे देश की लड़कियां.
कविता दफ्तरी उस समय 28 साल की थी और विनोद खन्ना उनसे 17 साल बड़े थे। विनोद खन्ना का तलाक भी हो चुका था, वो दो पुत्रों के पिता भी थे। कई तरह की अटकलें लगी, लेकिन कविता ने एक वीरांगना की तरह विनोद का हाथ थाम लिया और उसके बाद हर कदम पर वो अपने पति के साथ रही, बच्चों का भी ख्याल रखा। हर मोड़ पर विनोद खन्ना की जीवन संगनी बनकर अंत तक उनका साथ निभाया। आज विनोद खन्ना नहीं है, परंतु हमारी प्रार्थना है कविता खन्ना स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और विनोद खन्ना के जाने के बाद जिन कष्टों से, तकलीफों से, वेदना और दर्द से गुजर रही हैं, ऑलमाइटी उन्हें उस कष्ट को सहने की शक्ति दे, यही मंगल कामना है। कविता जी, अगर आप सुन रही हो, मैं तो कभी आपसे मिला नहीं, मैं आपके पति को भी ज़्यादा नहीं जानता, परंतु आपने जिस वीरता के साथ, और ये वीरता, ये भाव केवल भारत की नारी के अंदर होता है, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। फिल्म बदनसीब, रेड रोज, हम नहीं सुधरेंगे जैसी फिल्में बनाने वाले एक डायरेक्टर थे, नाम था आनंद गिरधर। छोटी छोटी फिल्म बनाते थे, बी ग्रेड की। आनंद गिरधर जी एक नई फिल्म बना रहे थे, खोज जारी थी कास्टिंग के लिए। इस फिल्म में 35 साल के एक टीचर का रोल था, ढूंढ रहे थे। ऑफिस में लड़के लड़कियां आते, एक दिन उनके ऑफिस में एक लड़का आया, उम्र रही होगी उसकी 18 साल। कहने, मुझे दे दीजिए वो रोल, कुछ भी दे दीजिए रोल। लड़के को देखा तो आनंद गिरधर ने कहा, बे तू तो लौंडा है। लड़के ने गुजारिश की कि उसने अभी अभी गौतम राजाध्यक्ष से फोटो सेशन कराया है, मूछों वाली तस्वीरें एक बार देख तो लो सर आप, शायद मैं 35 साल वाले रोल में फिट हो जाऊं। लेकिन आनंद गिरधर वो फोटो देखने को भी तैयार ना थे। लड़के ने बहुत प्लीट किया, बहुत गिड़गिड़ाया कि देखिए साहब, फिल्मों में काम करना है, एक मौका तो दे दो। अरे बुढ़ा बना दो, जो बनाने बना दो, वो रोल भी कर लूंगा, कुछ भी करो। मगर आनंद गिरधर ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि पियून को बुलाया, चपरासी को, और हुक्म दिया, यार इसको बाहर निकाल दो यार, जाने भैया तू जा यहां से। वो लड़का गुजारिश करता रह गया, प्लीट करता रह गया, रिक्वेस्ट करता रह गया कि एक नजर तो डाल लो मेरे फोटो के ऊपर। लेकिन आनंद गिरधर साहब ने उसकी ना सुनी और चपरासी ने उसे ऑफिस से बाहर खींच लिया, ले गए। अब ये ऑफिस से निकाला कि नहीं निकाला वो अलग बात है, लेकिन बोला तो सही कि आप चले जाइए। और इस तरह उसकी ख्वाहिशात के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर, एम्बिशन के ऊपर बिजली गिरा दी। खैर साहब, आदमी बड़े बड़े दुख आघात सह जाता है। इस लड़के ने भी अपने दुखों को, इन बेइज्जतियों को, निराशाओं को मन में रखा और पूरे प्राणपण से जुट गया अपने करियर में। वक्त किस वक्त किसको कहां ले जाए कोई कह नहीं सकता, तो इसी तरह से वक्त बीता। आनंद गिरधर की फिल्म को बनने में लग गए 10 साल और तब तक उसका संघर्ष, उसकी मेहनत, उसका समर्पण रंग ले आया। और उस लड़के को मिलने लगी फिल्में, एक फिल्म मिली फिर दूसरी फिल्म, और अचरज की वो लड़का देखते ही देखते बन गया स्टार। स्टार ही नहीं, सुपरस्टार। बाय द वे, जिस लड़के को 18 साल की उम्र में आनंद गिरधर ने अपने ऑफिस से जाने को कहा था, उस लड़के को आज दुनिया सलमान खान के नाम से जानती है। एंड नाउ टाइम, तुमने पुकारा, हम चले आए। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? या आशीष चटर्जी। आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में मीरा रोड। ऑफिशियली तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट हो गया। ओके, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा नमस्कार। नमस्कार। एक तबला प्लेयर हूँ जी जी, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ जी जी। हमने बहुत सालों पहले जब आप अंताक्षरी करते थे तो मैंने एक दो एपिसोड बजाया भी था दुर्गा। अरे अरे अच्छा, अरे वाह 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 वाह। तो आशीष दादा, आप चैटर्जी, चैटर्जी कितने साल से रह रहे हैं मुंबई में? मुंबई में हो गया अराउंड 20 इयर्स। अच्छा, और 20 साल हो गए जी। आपके आशीर्वाद से हर जगह बजाया है मैंने, सब लोग जानते हैं। वाह 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 वाह। और किस घराने से ताल्लुक रखते हैं आप तबला वादन? एक्चुअली घराना जो है मेरा है वो फरुखाबाद घराना, फरुखाबाद। बट हम हर लोगों के साथ बजाते हैं, डांस भी बजाते हैं जी, फिर गाना भी बजाते हैं। तो वहाँ पे आके घराना जो है वो रह नहीं जाता है। जब भी डांस बजाना होता है तो फिर हमको हाथ उठा के बजाना होता है जी जी जी,
छोड़ के खुला बाज है जी जी। जब हम डांस बजाते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। बनारस अंग हो गया, लखनऊ अंग हो गया जी, तो फिर वो स्टिक नहीं कर सकते, बट एनीवे फरुखाबाद हमारा मेन जो घराना है वो फरुखाबाद है जी जी। मैं चाहूंगा एक मिनट आपको एक चीज सुनाने के लिए। जरूर जरूर। तबला मेरे हाथ में ही है जी जी, जरूर। फॉर्चुनेटली ये अमरजन खान साहब का ही बजाया हुआ काजा है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। वाह 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 आशीष चैटर्जी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और आपका बहुत नाम हो और आपको दुनिया के सारे अवार्ड्स मिले, यही प्रार्थना है। आशीष चैटर्जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपकी पसंद का कोई गाना हो तबले वाला तो सुना दूं मैं। तबले वाले गाने तो बहुत हैं, ये अभी इमीडिएट तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। मुंह से छल किया जाए वो भी सुनवा सकता हूँ। मुंह से छल किया जाए ना 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 देखो सैया बेईमान। आपकी पसंद का गाना आशीष जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको भी सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच। जितेंद्र के पिता ज्वेलरी के बिजनेस के अलावा फिल्मों में होने वाले नकली जेवरों की सप्लाई भी किया करते थे। इसी सिलसिले में जितेंद्र अक्सर स्टूडियोज के चक्कर लगा लिया करते थे। एक दिन पहुंचे राजकमल स्टूडियो, वहां वी शांताराम की फिल्म नवरंग की शूटिंग चल रही थी। ऐसे ही घूमते घूमते शांताराम की नजर जब जितेंद्र पड़ी तो उन्होंने पास बुला लिया, बातचीत की। खूबसूरत बच्चा था, पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। और इसी बातचीत के दौरान जितेंद्र के मन के विचार के वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं वो भी जाहिर हो गए। और देखिए कि शांताराम ने जितेंद्र की हसरत तुरंत पूरी कर दी और नवरंग में एक छोटा सा रोल दे दिया। इस फिल्म में जितेंद्र को एक्टर उल्लास के सामने एक डायलॉग बोलना था। डायलॉग था, सरदार सरदार, दुश्मन टिड्डियों के दल की तरह बढ़ता ही आ रहा है। लेकिन जब शूटिंग का वक्त आया और जितेंद्र कैमरे के सामने आए तो डगमगा गए, नर्वस हो गए, हकलाने लगे। उल्लास साहब और वी शांताराम जी की हौसला अफजाई के बावजूद कुछ नहीं हो रहा था। डायलॉग तो बोल देते थे लेकिन टिड्डियों को कभी किड्डियां तो कभी फिड्डियां तो कभी चड्डियां कहते रहते थे। बार बार रिटेक होते देख जितेंद्र और भी नर्वस हो गए। वी शांताराम को भी समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। बहुत कोशिश की मगर जितेंद्र गलत ही बोलते रहे। एक पॉइंट के ऊपर वी शांताराम जी अपना पेशेंस खो बैठे और उन्होंने डांट दिया। ये डांट सुनकर नौजवान जितेंद्र रोने लगा। शांताराम जी भी समझ गए कि इसे समझाना बेकार है। इसलिए 25 रिटेक के बाद भी जब जितेंद्र ने टिड्डियों को फिड्डियां या चड्डियां कहा तो शांताराम जी ने उसी शॉट को ही ओके कर डाला। मगर जितेंद्र खूबसूरत थे, स्मार्ट थे, जिसकी वजह से शांताराम जी ने बाद में फिल्म सेहरा में भी उन्हें काम करने का मौका दिया। और 1964 में तो उन्होंने इसी टिड्डियों और फिड्डियों और चड्डियों वाले जितेंद्र को हीरो लेकर फिल्म बनाई। नाम था गीत गाया पत्थरों ने। फिल्म चली और रेस्ट इज हिस्ट्री। 1987 में राकेश रोशन शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, खून भरी मांग। अभी फिल्म का पहला शेड्यूल ही हुआ था कि रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस बढ़ती चली गई और इस बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। राकेश रोशन को लगा कि कहीं इनका झगड़ा फिल्म के लिए कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बातचीत तक करना बंद कर दिया था। राकेश रोशन ने रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा से अलग अलग बात की तो म्यूचुअली ये फैसला हुआ कि दोनों शूटिंग तो साथ साथ करेंगे जरूर लेकिन एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ, फिल्म कंप्लीट की गई, रिलीज हुई और हिट भी हो गई। उसके बाद अक्सर रेखा और शत्रुघ्न का आमना सामना होता था लेकिन दोनों कभी हाय हेलो तक नहीं बोलते थे।
ये नाराजगी तकरीबन 23 साल तक चली और 23 साल बाद एक पार्टी में शत्रु और रेखा जहां दोनों मौजूद थे वहां मौजूद थी शत्रुघ्न सिन्हा की धर्मपत्नी पूनम और पूनम रेखा की खास दोस्त थी। उन्हें कभी भी शत्रु और रेखा के बीच ये नाराजगी वाला रिश्ता पसंद नहीं था। बस आज तो पूनम ने ठान ली कि वो इस नाराजगी को, इस दिलों की दूरी को, इस मन मुटाव को, इस खलिश को मिटा के ही छोड़ेंगी। कई घंटों की मेहनत के बाद, दोनों को मनाने के बाद, दोनों की गलत फहमियां दूर करने के बाद दोस्ती करवाई। उसके एक साल बाद जब शत्रुघ्न ने अपने बेटे लव सिन्हा को लॉन्च किया तो उस फिल्म में हीरो की माँ का रोल रेखा ने ही किया। फिल्म थी सदियां। हमारे एक श्रोता अलाहाबाद अतरसुईया के पंकज पाठक ने पूछा है कि फिल्म चेतना की नायिका रेहाना सुल्तान का क्या ताल्लुक है हमारे शहर इलाहाबाद से। तो जनाब, ताल्लुक ये है कि शहर इलाहाबाद रेहाना सुल्तान की जन्मभूमि है। यहीं अलाहाबाद में 19 नवंबर 1950 को आप पैदा हुई थी, वहीं उनकी तालीम और तरबियत हुई, पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद ही वो पुणे के FTII चली गई, एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया और वो कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। आज के सुहाने सफर को देता हूं यहीं विराम। कल फिर मिलेंगे, बातें होंगी हिंदी फिल्मों की, गानों की, सितारों की, नगमों की। चलता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।